ये बैठी है हमारी गाय। गुरुद्वारे में हम पहुंच गए और मेरी बहन यहाँ पे मत्था टेक रही है, तो इस चारों तरफ घूम के मत्था टेकते हैं। यहाँ पे भी मैं गुरुद्वारे के बाहर आ रखी हूँ। ये सब्सक्राइबर मिल गए हमें यहाँ पे, ये बोल रहे दीदी आपका अंजलि राजपूत ब्लॉग है, मैं देखता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज मैं ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह लेट उठी थी, तो फिर मैं काम में लग गई थी, इसलिए आज मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं मम्मी के साथ में दुकान जा रही हूँ क्योंकि मम्मी को अपना आधार कार्ड सही कराना है, तो अभी हम फिलहाल जाते हैं दुकान पर। मैं दुकान पे गई थी तो दुकान में अंकल जी नहीं थे क्योंकि दुकान वाले अंकल कहीं जा रखे हैं, तो वो आधे घंटे बाद आएंगे, तो तब तक हम नानी के घर पे आ गए। और नानी के घर पे आई तो मैं नानी ने कहा कि ज़रा खाना बना दे आके, तो नानी के पैरों में दर्द हो रहा है तो मैं खाना बना रही हूँ नानी का। तो अभी मैंने कुकर में आलू उबलने रखे हैं, तो आलू उबल रहे हैं अभी। तो मैं सोच रही कि इसमें सीटी क्यों नहीं आ रही, हो गई इसमें सीटी नहीं आ रही है। मैंने नानी को बुलाया, नानी से पूछा इसमें सीटी क्यों आ रही, नानी कह रही कुकर ख़राब है इसमें सीटी नहीं आती है। तो फिर उसको खोल के देखती हूँ उबले हैं कि नहीं उबले हैं। तो अभी फ़िलहाल पहले ये प्याज व्याज काट लेती हूँ मैं और मसाला पीस के फिर इसमें छौंक दूँगी सब्ज़ी, और फिर सब्ज़ी बन जाएगी, फिर मैं चावल बनने लग दूँगी, फिर दुकान जाऊँगी, दुकान में देखूँगी अंकल जी आए हैं कि नहीं आए हैं। और फिलहाल अभी मैं ये प्याज व्याज काट के सब्ज़ी बना देती हूँ। मसाला पीस लिया है मैंने ये, और आलू भी उबल गए मेरे, तो आलू मैं छील लेती हूँ उनको, फिर इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी आलू की। तो देखते हैं मैं नानी को पसंद आती है कि नहीं आती है। और फटाफट से मैं आलू छील के सब्ज़ी बनने लग गई थी, और नानी ने अभी चावल बिने थे तो वो चावल बनने लगे। मेरी मामी की लड़की है ये, देखो दीदी चाय दे दो, चाय लेने आई है, मैं तो चाय दे रही हूँ, चले चाय बाय बाय बाय। नाना काम पैसे आ गए हैं और मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी नाना के लिए, तो नाना खा रहे हैं अभी। कैसी लग रही है नाना सब्ज़ी? बढ़िया बढ़िया है, नाना कह रहे हैं सब्जी बढ़िया है। और ये छोटा भाई भी खा रहा है, कार्तिक देख ये देखो ये भी खाना खा रहा है। ये नानी घर से आ गई हूँ, नानी के आज तबीयत ख़राब थी तो नानी ने बोला था कि बाबू जाके खाना बना दे, तो मैंने नानी घर पे फिर खाना बनाया। खाना बना के फिर नाना उन अपना काम पे से आ गए थे तो मैंने उन्हें खाना दिया और उन्होंने खाना खा लिया। अब मैं घर जा रही हूँ, तो फिलहाल अभी घर जाते हैं। घर पे हम पहुंच गए, पता चला अभी गाय नहीं खोल के लाई है बहन, तो मम्मी अब गाय लेने जा रही है मेरे साथ में, तो मैं अभी मम्मी अभी हम गाय को लेके आएंगे। ये बैठी है हमारी गाय, काली ले ले, अरे देख रही है, तो उसको लेने आए हैं हम। गाय को लेके मम्मी चल रही हैं क्योंकि सुबह बांध के गए थे गाय को, सुबह 10 बजे बांध के गए थे और अब 1 बजने वाला है, तो इसको पानी उनी पिलाना है, तो इसलिए हम घर ले जा रहे हैं इसको। गाय को लाने के बाद में यहाँ पे खेत में मम्मी प्याज की पौध उखेड़ रही हैं क्योंकि प्याज लगाने का टाइम आ गया है, तो प्याज लगाएंगी मम्मी। अभी फ़िलहाल पौध उखेड़ रही हैं, इन्हें पौध उखेड़ लिए, आधी उखेड़ ली, आधी रह गई है। कब लगाओगी इसको? अभी अभी लगाऊंगी। कहाँ पे? वो क्यारी में। अच्छा, इसने मानसी ने तो गोबर बटोरी ना जो तुमने कहा था सुबह बटोरेगी, बटोरा नहीं है मेरे लिए, टाइम नहीं मिला, अब तू ज़्यादा भूख दे। इन्हें कहा है कि गाय का गोबर बटोर के उसके कंडे बना दे, तो मैं गाय का गोबर उठा के उसके उपले बना के रखती हूँ, कंडे बना के रखती हूँ। तो अभी मेरे पीछे ये कंडे हैं भी, ये कल परसों के कंडे हैं, तो ये कल परसों मम्मी ने थोप के रखे थे और आज मैं बनाऊँगी क्योंकि मम्मी को टाइम नहीं मिला है आज, बहन से खाता, बहन ने बनाया नहीं, तो अब मैं बनाऊँगी कंडे। मैं कंडे बना देती हूँ फटाफट से पानी डाल के। बारह कंडे बनाए मैंने, तो ये आज के कंडे हो गए 12, कल भी बनाए थे, कल मम्मी ने बनाए थे, तो मैंने कंडे थोप दिए हैं। और पापा ने मुझे आज पैसे दिए 100 रुपये, तो मैंने सोचा कि तो मैं कुछ ले आती हूँ, तो ये बोल रही है दीदी चिल्ली मोमो लेने चलते हैं, तो चिल्ली मोमो लेने जा रहे हैं हम। तो अभी हम निकलते हैं पिरमदारा के लिए और वहाँ से लेके आएंगे चिल्ली मोमो। वैसे यहाँ पर कोई आस पास में दुकान नहीं है? हाँ है, नई दुकान खुली है। कहाँ पर? यहीं बड़ी नहर पर खुली है दुकान। कौन बता रहा था? मुझे सतीश भाई बता रहा था। अच्छा, वो कब लेके आया? वो कल लेके आया था, वहाँ के बहुत टेस्टी मोमो हैं। चलो फिर वहीं चलते हैं फिर।
काफी देर हो गई चलते चलते। कहाँ पे है दुकान, तुझे पता भी है सही में? हाँ मुझे पता है, यही आगे खुल रखी है, थोड़ा दूर और चलना पड़ेगा हमें। अच्छा, इतनी देर में तो हम पिरमदारा पहुँच जाते, मगर कौन जाता वहाँ इतनी दूर। दूर इतनी दूर भी नहीं, ये भी मुझे उतने उसी के बराबर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पिरमदारा ही जाए। अभी फिलहाल जाती हूँ, पास में मेरी मौसी का घर है, मेरी मम्मी की ताई की लड़की का घर है यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ। जब यहाँ तक आई गई तो मैं उनके घर भी जा रही हूँ अब, तो घूम के आ जाती हूँ, देखती हूँ मौसी क्या कर रही होंगी। घर है और यहाँ पर वो रहती हैं, तो पता नहीं घर में है कि नहीं है। मौसी कहाँ है? मोनी क्या बना रही है? हैं कुछ नहीं, तो क्या कर रही है? मौसी कहाँ गई है? काम पे। अच्छा, और बहनें कहाँ गई? कब आएंगी मौसी फिर? थोड़ी देर में। तो मौसी से मिलने आए थे आज और मौसी है ही नहीं घर में। मैं अब घर जाती हूँ क्योंकि चिली मोमो की दुकान भी बंद है, और मैं मौसी के घर पे आई थी इतने दिनों बाद, तो मौसी भी नहीं मिली घर में, तो फिलहाल अभी घर जाती हूँ मैं। और मेरी बहन एक चीज़ लाई थी चिली मोमो रखने के लिए, वो थैला लाई थी, दिखाना ज़रा। ये लाई थी मैं, बड़ा इतना थैला। बड़ा थैला लाई थी चिली मोमो रखने के लिए, जैसे यहाँ पे मेरे चिली मोमो मिल जाएंगे। और दुकान बंद निकली, अब हम घर जाते हैं सीधा। तो यहाँ पे ये नहर है, इसको पार कर देते हैं हम। हम दोनों बहनें घर जा रहे थे तो रास्ते में ये मिल गई हमें, कह रही है कि चलो ये वहाँ चलते हैं। मैंने कि कहाँ चलते हैं, तो अब पूछती हूँ उससे कहाँ चलते हैं। कहाँ बता? बिब्बी के पास, बिब्बी ने बुलाया था, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ जा रही हूँ। बिब्बी को प्रसाद चढ़ाना है गुरुद्वारे में, तो उनके घर में कोई है नहीं, तो मुझे बुलाया है कि साथ में चलते हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को भी साथ में ले आई, क्योंकि मैं भी अकेली थी इसलिए मैं साथ में ले आई। उनके घर पहुँच गई हूँ, ये बिब्बी जी की पोती है, शर्मा रही है बेचारी। तो अभी हम इनके घर में जा रहे हैं, फिर यहाँ से हम गुरुद्वारे जाएंगे बीबी जी के साथ। हमारी बीबी जी हैं और इनके साथ मैं आज गुरुद्वारे जा रही हूँ, तो मेरी बहन बुला के लाई थी। तो ये बीबी जी हैं, हाय बोल दो बीबी जी। हाय। ये गुरुद्वारे जा रही है, प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं अपना। हाँ, तो ये प्रसाद चढ़ाने जा रही है गुरुद्वारे में, तो अभी हम जाते हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में हम पहुँच गए और मेरी बहन यहाँ पे मत्था टेक रही है, तो इस चारों तरफ घूम के मत्था टेकते हैं यहाँ पे। मेरी बहन अभी मत्था टेक रही है, फिर मैं जाऊंगी। बीबी भी अब मत्था टेक रही हैं। गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति हो रही है यहाँ पे आने के बाद में, बहुत मन को अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं अंदर जाती हूँ, बीबी जी अंदर गई हैं और मेरी बहन भी अंदर गई है, तो मैं भी अंदर जाती हूँ मत्था टेक के आती हूँ। मैं अंदर मत्था टेक लिया है और अभी यहाँ पर मैं आई हूँ, तो यहाँ पे ये बड़े बड़े चूल्हे बना रखे हैं। यहाँ पे जब लंगर होता है तो इन बड़े बड़े चूल्हों पे खाना बनता है। इसके सब्सक्राइबर मिल गए हमें यहाँ पे, ये बोल रहे हैं दीदी आपका अंजलि राजपूत ब्लॉग है, मैं देखता हूँ और सब्सक्राइबर हूँ, और SK3 के ब्लॉग का सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं आपकी और आपके मामा की वीडियो देखता हूँ। तो ये अभी मैं बाहर गुरुद्वारे के बाहर आई, तो ये यहाँ पे रहते हैं, ये इनका घर है, इधर फार्म है, ये पंजाबी लोग हैं, ये आप पंजाबी हो ना, ये पंजाबी लोग हैं। तो ये यहाँ पे मतलब गुरुद्वारे में लंगर वगैरह करवाते हैं, और ये यहाँ पे मतलब रहते हैं, इनकी ये यहाँ पे रहने की जगह है। आज क्रिसमस डे है, तो ये भैया बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे गाइस, सेम टू यू मेरी तरफ से। और इनकी तरफ से भी सेम टू यू, मेरी तरफ से भी सेम टू यू। दीदी ये वीडियो कब आएगी? ये वीडियो कल सुबह आएगी, और अभी मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो आप भी इस वीडियो में हो, तो कल सुबह को आप इस वीडियो में आ जाओगे। गुरुद्वारे में ये बगीचा भी लगा रखा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिलता है। हम बगैर चुन्नी खड़े नहीं होते हैं, तो मैंने ये सिर पे अपने चुन्नी डाल रखी है। अभी मैं घर जा रही हूँ और वो वहाँ से दूर से ही कह रहा है दीदी बाय, तो मैंने भी बोल दिया बाय, यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है मगर हाथ दिख रहा है उसका, तो बोल रहा दीदी बाय। तो अभी चलते हैं हम घर। तो ये भाग भाग के आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, उसके साथ में छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। आ गया ये, तो ये पहुंच गया है और ये मुझसे बाय बोलने आया है इतनी दूर से भागते हुए, तो अब बाय बोल दिया है बाय। हेलो गाइस, मैं आपसे बाय बोलने आया हूँ, दौड़ पे बाय। तो मैं गुरुद्वारे में से मैं गुरुद्वारे से आ ही रही थी, तो वो दोबारा आ गया लड़का, दीदी बाय। आमा लोग यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। आमा नमस्ते। नमस्ते, आप कहाँ घूमने जा रहे हो? बस ये तो हमारी फोटो निकाल ली। अरे बताऊँ तो पागल हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही हो? हाय बाय बाय बाय। तो ये आमा लोग हैं, ये घूमने जा रही हैं, तो अभी हम घर जाते हैं।
मैं वहाँ से आने के बाद में इस ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी ने काम बता दिया था। तो अभी मैं फ़िलहाल नानी के घर पे आई हूँ, तो ये एंड मैं अपनी नानी के घर पे आके कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं एडिटिंग सीखी नहीं हूँ, तो मामा अभी मुझे सिखा रहे हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।